ओम रोमी के किचन में वेलकम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी पराठा, जो कि बाजार में मिलता है, बोटियों से तैयार किया जाता है, या उसमें कबाब, सीख कबाब भी रखे जाते हैं। हम लोगों के पास ये पहले से रेडी थे, हम लोग बाजार से लेकर आए थे, तो बोटियां भी हैं और सीख कबाब भी है। इसको हमने गर्म कर लिया है फ्रिज में पहले। इसको हम करेंगे एक साइड, और अब हम अपना गूंदेंगे आटा इसके लिए। इसके लिए आटा गूंदेंगे हम। इसमें हमने लिया है थोड़ा सा, एक प्याली आटा, थोड़ा सा ही कबाब है तो थोड़ा सा ही बना रहे हैं। तो और ऑयल लेंगे थोड़ा सा, नमक हसबे ज़रूरत, दूध डलेगा, मलाई हो तो मलाई भी डाल सकते हैं आप लोग। तो हम इससे आटा गूंदेंगे दूध से। तो सबसे पहले हमने एक प्याली आटा लिए है एक बाउल में, और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। पहले कुछ आटे को पहले ऑयल में कर लेंगे ताकि सब पूरा आटा ऑयल हो जाए, और आटा हम भूनेंगे दूध से। पूरी का आटा या पराठे का दूध से भुना जाए तो अच्छी बनती है, और ऑयल या मलाई। अब हम इसमें इसको भूनेंगे दूध से, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा पतला नहीं गुनेगा इसका आटा, वरना पूरियां अच्छी नहीं बनती। देखते रहेंगे जिस जिस साइड खुश है आटा गूंदेंगे, उसी साइड डालते रहेंगे दूध। ये सिमटता जा रहा है आटा हमारा, देख लें आप अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा एक साइड और खुश आटा है तो थोड़ा सा हाथ में दूध लेंगे, इसको और गूंदेंगे। और पानी से भी गूंद सकते हैं आप लोग इसका आटा। बस अब ये खट्टा हो गया, सिमटता आ रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से हम इसकी घुनाई करेंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे या दूध अपना, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके ऑयल में घुनाई होगी, और ना इसमें खुश्की लगती है पूरियां बनाते हुए, ना पराठे में खुश्की लगती है। हम इस तरीके से बनाते हैं कि ताकि खुश्की ऑयल में जाती है, वो फिर जलने लगती है, फिर पूरा इसका ऑयल ब्लैक हो जाता है अच्छे तरीके से। देखें आप, सिमट गया है आटा। हम इसकी ऑयल से गुनाई करेंगे इसके अच्छे तरीके से। इसको हमने नीचे निकाल लिया है, साफ है हमारा ये फ्लोर, और हम इसके अच्छे तरीके से गुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी करेंगे गुनाई ताकि आटा हमारा गुन जाए। और इसको अभी ऑयल डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर करेंगे इसको 10 मिनट के लिए। इसको छोड़ेंगे अपने हम बर्तन में डाल के, और सब तरफ ऑयल थोड़ा सा लगा कर, ज़्यादा ऑयली नहीं हो, वैसे ही ऑयल में ही फ्राई होती है, डीप फ्राई है तो फिर और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो कम से कम इसमें यहाँ पर ऑयल लगाइएगा, और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप इसको देखिएगा, फिर और एक दफ़ा घुनाई होगी इसकी। इसको हम थोड़ी देर ढक के छोड़ते हैं, जब तक 10 मिनट के लिए हमने रखना है इसको। तो हम अपने सीख कबाब और ये बोटियों के इनके छोटे पीसेस कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके हिसाब से आप लोग हिसाब से कीजिएगा। ये बोटियाँ इनके छोटे छोटे पीसेस कर दें ताकि आराम से एक निवाले में आ जाए, वरना बहुत बड़ा होता तो ये पराठे और वो ख़राब हो जाते हैं, पर खाने में भी आते नहीं है। छोटे छोटे पीस कर दें बोनलेस। इसमें तिक्का मसाला लगा के आप इसको ऑयल में फ्राई करके, कोयले का भाप लगा के आप ये वाली बोटियां तैयार कर सकते हैं। ये रेडी थी हमारे पास, तो हम उसमें छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बताते हैं इस तरीके से करके। कोई सालन की हो, बची हुई बोटियां इस तरीके से हो, तो आप लोग उसका भी बना सकते हैं। और हम अपना सीख कबाब ये वाला भी, इसको भी छोटे छोटे करेंगे। आप एहतियात के तौर पे इसको वैसे कट कर लें, और एक प्लेट में इनको रख लें। सीख कबाब रोल और बोटी रोल तैयार हो सकता है इस तरीके से। देखें, या शादियों में भी बनता है, तो वो भी बची हो तो आप लोग इस तरीके से नेक्स्ट टाइम करके बना सकते हैं, फ्रीज करके इन बोटियों को। दोनों साइड हमने बोटियां रख दी, अब हम कटिंग करेंगे प्याज। ये देखें चटनी इमली की,
वो हमने ली है, जो कि मैंने आपको पहले बनाना सिखा दी है। और हमने प्याज कट की है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ली है हमने दही। इसको अच्छे तरीके से फेंट कर इसमें इमली की चटनी मिलाएंगे थोड़ी सी, इसके कबाब रोल करने के लिए। और हमने ये बोटियों को भी और कबाबों को भी कट करके रख दिया है। ये देखें, दही फेंट रहे हैं। फिर इसमें मिलाएंगे ये चटनी थोड़ी सी, और थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें चाट मसाला। ये देखिए, चटनी हमने डाल दी थी अपनी, इसके अंदर अच्छे तरीके से दही भी फेंटी है। अब हम इसमें एक चमचा बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए, चाट मसाला मिला रहे हैं, चटनी भी हमने थोड़ी सी मिला ली है। बहुत ज़बरदस्त खट्टी खट्टी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दही में चाट मसाले की। ये हम मिला लिया, हम इसको करेंगे इन सब चीज़ों को एक साइड। ये सब चीज़ें रेडी हो गई है, इन सब चीज़ों को हम रखेंगे एक साइड। अब हम अपने आटे की तरफ चलते हैं। देखें, आटा फूल चुका है अच्छे तरीके से और सॉफ्ट भी हो रहा है। देखें, अब इसकी करेंगे हम घुनाई। ये देखें, इसकी घुनाई हो रही है अच्छे तरीके से। इसको घुनेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या कोई आटे का वो ना रहे। घुनाई करेंगे पूरे तरीके से। ये देखें, हमारा घुन चुका है ये आटा पराठे का या पूरी का। इसको अब हम जो है ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको रख देंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम करते हैं हम। थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने इसको अच्छे तरीके से रख दिया है। इसको एक तरफ रखेंगे। इसकी बनाएंगे हम पेड़े पूरी के लिए, और ऑयल गरम करते हैं। ये देखिए, हमने छोटे छोटे हमने लिए हैं। जितनी आपको बड़ी पूरियां बनानी हो उसके हिसाब से आप आटा लें। और हम अपने पूरे जैसे पेड़ा बनता है इस तरीके से इसका पेड़ा बनाएंगे छोटा सा। ये देखें, और हम इसको एक साइड करके सबको रख देंगे। ये देखिए, हमारे पेड़े बन गए हैं एक इस तरीके से। और अलग तरीके से आपको पेड़ा बना रखना सिखाती हूँ मैं। तो इस तरीके से यहाँ रख कर अपने आटे को इस तरीके से करते रहेंगे। स्टाइल का है ये। मैं देखिए किस तरीके से पेड़ा स्मूथ बन गया है। इसको फिर इसी तरीके से बस करेंगे। ये देखिए, हमारा पेड़ा रेडी हो गया। एक और बताती हूँ मैं आपको, इसको इस तरीके से करेंगे। पूरे आटे को हम यूं करते रहेंगे हर तरफ से। कभी एक इधर से यूं करेंगे, इधर से करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके ये सब एक जगह हो जाएगा। देखिए, स्मूथ सा पेड़ा तैयार है। और बाकी फिर बाद में हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यूं दबा दबा कर। ये देखिए, इस तरीके से करके अभी हमारा हो गया है पेड़ा रेडी। सारे पेड़े हमारे बन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए हैं पेड़े। इनको हम करेंगे अब एक साइड। अब इसको हम बेलेंगे। ये देखें, हमने सोचा हलवा भी बना लें। हमारा दिल चाह के जो है हलवा भी बनाकर आपको बता दूं। मैं हलवे का भी दिल चाह रहा था, इसके साथ थोड़ा सा हलवा भी बना रही हूँ। यही वाला आधा मिनी कप हमने लिया है, ये वाला सूजी का बिल्कुल थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। कम खाया जाता है हलवा अमूमन, तो आधा ये वाला ग्लास लिया है मैंने सूजी का। इसको छान के साफ कर लिया है। और इसका 1.5 कप 3 हिस्से हम लेंगे चीनी। इसका पकाएंगे शीरा। और हमने ली है छोटी इलायची और जायफल जवत्री। इसको पीस के शीरे में डालेंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का मैं आपको बता रही हूँ। हलवा ये जो हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल मिठाई का जायका आएगा इसके अंदर से। हमने थोड़ा सा पानी पहले ही ले लिया था। और आधा कप ये भी और लेंगे हम, आधा ग्लास चीनी का। इसी तरीके से आप इसका वो रखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार होगा। इसमें हम डाल देंगे छोटी इलायची, जीरा तैयार करेंगे और थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे। और अपनी जायफल और जवत्री इसको पाउडर डालेंगे। ये देखें, हमने इसमें पानी और डाल दिया है। पानी इसमें ज़्यादा डलेगा। हलवा जो है थोड़ा सा हलवाई स्टाइल में बनेगा, जो हलवा पूरी में होता है। जर्दे का रंग डाला है हमने, जर्दे का रंग। हलवा आपको डार्क करना हो तो और डाल सकते हैं। छोटी इलायची खोल के डाल दी है। और ये जायफल जवत्री हमने थोड़ी सी कूट ली है, इसको हम इसमें डाल देंगे। इधर पकेगा शीरा और सूजी की भुनाई करेंगे हम। फिर इन दोनों को मिला के रख देंगे। शीरा पक रहा है, जोश आने पर इसकी हल्की आंच कर दीजिएगा। ये देखिए, हमने फ्राई पैन अपना गरम करने रखा है। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और छोटी इलायची डाल के अपनी सूजी को करेंगे फ्राई। भुनेंगे इतना कि लाइट ब्राउन हो जाइए। ऑयल डालेंगे अपना हम थोड़ा सा, और इसमें छोटी इलायची डालेंगे।
ये देखें सूजी भी डाल दी, छोटी इलायची डाली है हमने। अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं सूजी की। लाइट ब्राउन होने पर शीरा इसमें डाल देंगे। पतला बिल्कुल हलवा चाहिए आपको तो शीरा गाढ़ा नहीं करेंगे, पतला रखेंगे हम। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होती भी आ रही है। देखिए बबल्स बन रहे हैं, हमने शीरा इसमें डाल दिया है सारा अपना, और हम इसको रखेंगे पकने के लिए। एक दो मिनट पकाएंगे इसको, फिर इसको ढक के चूल्हे से हटा के रख देंगे। ये पूरा हलवा हरीरा जैसा पतला बनेगा, हलवाई जैसा। ये देखिए दो पूरियां हमने बेल ली हैं, और अभी बाकी है मैं आपको बेलना सिखा दूँ। जरा सा ऑयल लेकर आप इस तरीके से करिए, इसको कोनों कोनों से इसको गोल करते हुए आइए, और इसमें ऑयल लगा के इसको बेलन से बेलिए। ऑयल लगाएंगे अभी हम इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल लगाएं ऊपर और नीचे, और इसको अच्छे तरीके से बेल लें। ये देखें पूरी हमने तलनी शुरू कर दी। ऑयल जब ज्यादा तेज गर्म हो, जब आपने पूरी डालिएगा, पहले हमने डाल के चेक किया है कि ऑयल गर्म हुआ है नहीं हुआ है, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब जो दूसरी और पूरियाँ डलेंगी तो वो बहुत अच्छी फ्राई होंगी। पहली पूरी हमेशा इसी तरीके से फ्राई होती है। और आप इधर हलवा भी देख लें, हलवा भी रेडी है हमारा। केवड़ा डाल के हमने रखा है दम पर, इसको करेंगे डिश आउट। साथ साथ ही सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। देखें इसमें हम अपनी पूरियाँ फ्राई करके रखेंगे। हम अपनी पूरी निकाल रहे हैं, ये देखें ब्राउन हो गई है। हलवा पूरी भी खा सकते हो, पूरी पराठा भी आप, और अगर बड़ा करना चाहें पूरी को तो और बड़ा कर सकते हैं। हमने नॉर्मल साइज लिया है पूरी का। ये देखिए हम अपनी पूरी डाल दी है हमने। ये देखिए पूरी हम लोगों ने दूसरी की अपनी निकाल ली है, तो में रखेंगे डाल रहे हैं पूरी। इस तरीके से कर करके आप डालते रहिएगा, जहाँ आपको मोटा लगे वहाँ पे प्रेस करके इसको पतला कर दिएगा, और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, पतली पूरियाँ कड़क हो जाती हैं हमेशा। करते रहे चमचा चलाते रहे ताकि नीचे से चिपके नहीं। ये देखिए यूं करते रहे साथ साथ, कोनों को दबाते रहे ताकि अच्छे तरीके से कोने भी फ्राई हो जाए, वरना कोने कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से फूल रही है पूरी, बहुत जबरदस्त लगती है पूरियां इस तरीके से फूली हुई। इसी तरीके से सेम आप बनाएगा तो आपकी भी पूरियां इसी तरीके से फूलेंगी। हलवा पूरी में बनाए या पूरी परांठे में बनाए, इसी तरीके से बनाइएगा आप। छोटा बड़ा साइज आप कर सकते हैं खुद ही। ये देखें किस तरीके से जो है पूरी फूल रही है हमारी। ये देखें सारी पूरियां हमने तल ली हैं, कोई भी इसके अंदर कोई भी दबी हुई ना कोई वो है, सब फूली हुई तली हैं। अब हम इसका बनाएंगे पूरी पराठा। और हलवा पूरी से आप खाना चाहें तो इस तरीके से वो भी खा सकते हैं। दो पूरियाँ लेंगे हम, इसको ठंडी होने देंगे, बाकी की हम हलवा पूरी के साथ सर्व करेंगे, हलवे के साथ इस पूरियों को सर्व करेंगे। तो ये अब हम इसको यूँ लेंगे, अपनी बोटियाँ रखेंगे, कबाब रखेंगे एक में, और एक में अपनी रखेंगे बोटियाँ। थोड़ी थोड़ी प्याज डालेंगे दोनों में, डालेंगे अपने हिसाब से, ज्यादा खाते तो आप ज्यादा ले सकते हैं। दोनों में चटनियां डालेंगे, और अब हम अपना डालेंगे रायता दोनों में। इसको करेंगे हम फोल्ड इस तरीके से, फोल्ड करके अभी हम इसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखें सब कुछ हमारा हो गया है रेडी अच्छे से, हलवा भी हमारा रेडी हो गया पूरा, हलवाई वाला पतला हलवा। और ये पूरियां हलवे के साथ आप लोग ले सकते हैं। ये हमारे रोल बन गए हैं, बोटी रोल और एक सीख कबाब रोल, दोनों बन गए हैं। चटनी रायते के साथ आप सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप लोग भी बनाइएगा घर में इसी तरीके से। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।